हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के रियल ही मैन यानी कि भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की फिल्म गदर के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली आज 29 दिन हो चुके हैं। तो भाई, इस फिल्म को 29वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से कितने का कलेक्शन मिल रहा और क्या भैया आज के कलेक्शन के माध्यम से ये फिल्म बाहुबली के उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहेगी जो कि भैया कल ये फिल्म तोड़ते तोड़ते रह गई थी, यानी कि भैया 510 करोड़ 99 लाख वाला। तो भाई चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म की आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट वाले कलेक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों, गदर के पार्ट 2 को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को भैया 29वें दिन इस फिल्म को ओवरऑल जो पूरे इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 32.78% का, यानी भैया इस फिल्म को आज मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 19.89% का। उसके बाद भी इस फिल्म को आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 35.78% का, और उसके बाद भी इवनिंग के शो में इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 42.66% का, यानी भैया आज के शानदार ऑक्यूपेंसी रेट के माध्यम से ये फिल्म बहुत ही आसानी से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। जिसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भी आज के कलेक्शन के माध्यम से यह फिल्म फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 511 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, और भैया इस आंकड़े को पार करते ही ये फिल्म बाहुबली के उस रिकॉर्ड पर अपना कब्जा कर लेगी जो कि भैया अभी तक उसके हाथ में है 510 करोड़ 99 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया आज फाइनली गदर का पार्ट 2 जो है ये रिकॉर्ड तोड़ लेगा ना, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।